21 मिनट के भारतीय वायुसेना के शौर्य से पाकिस्तान सन्नाटे में आ गया। ये बदले हुए हिंदुस्तान के रौद्र रूप का ट्रेलर है। छब्बीस फरवरी सुबह करीब 3 बजे आगरा और बरेली एयरबेस से सुबह करीब 3 बजे अंधेरे में 12 मिराज 2000 विमानों ने उड़ान भरी। इन फाइटर जेट्स में लेजर गाइडेड करीब 1000 किलो बम थे। ठीक इसी वक्त भटिंडा से एक वार्निंग जेट उड़ान भरता है। कुछ मिनटों के अंदर ही आगरा एयरबेस से एक रिफ्यूलिंग टैंकर यानी आसमान में ही विमानों में ईंधन भरने वाला विमान उड़ा। 3 एयरबेस से उड़ान भरने के बाद सभी विमान तेजी से पहले से तय मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। एलओसी के करीब पहुंचते ही 12 मिराज 4-4 के टुकड़े में 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक टीम बालाकोट का रुख करती है, दूसरी पाक अधिकृत कश्मीर के चकोटी इलाके का और तीसरी मुजफ्फराबाद का। सुबह 3:45 पहली टुकड़ी बालाकोट की तरफ बढ़ी। बालाकोट के आतंकवादी कैंप में वायुसेना ने 6 टारगेट तय किए थे। इनमें से हरेक पर बम गिराए गए। इनमें से सबसे बड़ा निशाना जैश मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर अल्फा 3 था। हमले में अल्फा 3 बुरी तरह से तबाह हो गया। जैश के टॉप कमांडर मसूद अजहर का छोटा भाई मौलाना तलहा रौफ, मसूद अजहर का बड़ा भाई इब्राहिम अजहर, मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर खान, बालाकोट कैंप का कमांडर मौलाना अमार समेत कई आतंकी मारे गए। मिराज की अगली टुकड़ी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ चुकी थी, जहां सिर्फ जैश ही नहीं बल्कि लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी हैं। मिराज लड़ाकू विमानों ने करीब 7 मिनट में कई आतंकी कैंपों को नष्ट नाबूद कर दिया। आखिरी निशाना बना पीओके का चकोटी इलाका। करीब 6 मिनट के ऑपरेशन में लड़ाकू विमानों ने इलाके में आतंकी अड्डों का नामो निशान मिटा दिया। इक्कीस मिनट के शौर्य में वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया उनमें केल, शारदी, दुधनियाल, अठमुकाम, जूरा, लीपा, पचीबनचाम, काहुता, कोटली, लैंजोट, निकियाल, कुरेटा और मंदोर शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के विमान एलओसी से करीब 70 किलोमीटर भीतर तक गए और आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गया। इन एन इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन इन द अर्ली आवर्स ऑफ टुडे इंडिया स्ट्रक द बिगेस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ द जैश ए मोहम्मद इन बालाकोट। इन दिस ऑपरेशन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट, ट्रेनर्स, सीनियर कमांडर्स एंड ग्रुप्स ऑफ जिहादीज हु बीइंग ट्रेन्ड फॉर फिदा इन एक्शन वर इलिमिनेटेड। जैसे ही पाकिस्तानी वायुसेना को मिराज 2000 विमानों के हमले की खबर मिली, बालाकोट के पास अबोटाबाद एयरबेस एक्शन में आया। F-16 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, लेकिन मिराज की व्यूहरचना के सामने पाकिस्तान के F-16 विमान कुछ नहीं कर पाए। ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है। और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। 21 मिनट में ही मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों, रावलपिंडी में बैठे जनरल कमर जावेद बाजवा के कमांडरों और पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकियों को खौफ का मतलब समझा दिया। मंजित नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।